मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं और इस बैठक के बाद बताया गया है कि जल्द ही 1 लाख सरकारी पद भरे जाएंगे। इसकी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग और लोक सेवा आयोग द्वारा की जाएगी। बैठक में सीएम ने रोजगार सृजन पर जोर दिया। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए अधिकारियों और मंत्रियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। रोजगार के लिए 11 विभाग प्रयास कर रहे हैं और अगले 4 साल में रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए योजना भी बनाई जा रही है। इसके अलावा प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के प्रस्ताव को कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है। प्रदेश के संभाग, उप संभाग, जिले, तहसील और विकास खंडों के पुनर्गठन की प्रक्रिया जल्द आरंभ होगी। इस संबंध में आमजन और जनप्रतिनिधि पुनर्गठन आयोग अपने सुझाव को प्रस्तुत कर सकेंगे। पुनर्गठन आयोग द्वारा आवेदनों पर विचार के पश्चात अनुशंसाएं की जाएंगी। नगरीय क्षेत्र की सीमाओं के प्रस्ताव भी आयोग को दिए जा सकेंगे। सरकार लगातार युवाओं के लिए, खासकर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। मुझे इस बात का संतोष है कि इस वर्ष हमने जो दिसंबर तक का टारगेट लिया है, लगभग 1 लाख से ज़्यादा रोजगार के लिए अवसर अर्थात नौकरियों का, शासकीय विभिन्न विभागों की भर्तियां करने का काम चालू कर रहे हैं। दिवाली के अवसर पर युवाओं को, खासकर जिनको काम की ज़रूरत है, उन सबके लिए बड़ा मौका रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार अपने ब्रेन ड्रेन से बचाना चाहती है, जो बौद्धिक क्षमता के हमारे अपनी संपदा है एक तरह से, ऐसे सारे मित्रों से देश के लिए, प्रदेश के लिए काम करने का मौका दिलाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लगातार काम कर रहे हैं। मुझे इस बात का भी संतोष है कि हमारे औद्योगिक निवेश का भी जो अभियान चल रहा है, इसके माध्यम से ही लगभग अभी तक के जो हमारी कॉन्क्लेव हुई है, संभाग स्तर की अलग अलग जो निवेशकों के साथ मीटिंग हुई है, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और आज रीवा होने वाली है, अभी तक के 3.25 लाख से ज़्यादा रोजगार के अवसर तो इनमें हुए हैं, जिसमें 2,45,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश के प्रस्ताव हम पे आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में बहुत संभावना और बहुत लोगों की रुचि भी बन रही है और हमारा भी प्रयास है कि जो सब प्रकार से वर्तमान के दौर में जब भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कटिबद्ध है, तो मध्य प्रदेश क्यों पीछे रहेगा। मध्य प्रदेश में वो सब है जिसके लिए कोई भी निवेशक आना चाहेगा, कोई उद्योगपति आना चाहेगा, लेकिन हमने प्राथमिकता तय की है कि हमारे प्रदेश के अंदर के जो उद्योगपति ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके उद्योग में बढ़ावा मिलना चाहिए, वो 1 से 2 करे 3 करे और जो अभी तक एक काम कर रहे थे वो दूसरा काम करे। अब इसके बाद बचता तो प्रदेश के बाहर के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, उसके बाद भी और संभावना तो देश के बाहर के लोगों को भी आमंत्रित कर रहे हैं। कुल मिलाकर के हमारे प्रदेश को समृद्ध बनाना है हम सबका संकल्प है, मुझे पूरा भरोसा है, जनता भी यही चाहती है और यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के लिए कटिबद्ध।